हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इस वीडियो को मैं इंटरेस्टिंग नहीं कह सकता क्योंकि इस वीडियो में मैं जिसकी बात कर रहा हूँ विजय रिया ब्लॉग की, वो बहुत परेशान है। उनके जो सब्सक्राइबर है उनका भला इच्छो, उनका भला चाहो, उनको ठीक से रहने दो, उनको जीने दो, उनकी ज़िंदगी है उनको जीने दो, ठीक है। आप लोग उसको परेशान करेंगे तो वो उसका काम भी नहीं कर सकेगा और वो बहुत छोटा आदमी है, वो बहुत ही गरीबी में जी रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको जीने दो यार, इसको परेशान मत करो। मैंने उसका वीडियो देखा, मुझे सर प्लीज मुझे बचाइए, मेरी मजबूरी है। देखिए एक लड़का आके मुझे सुबह से परेशान कर रहा, सुबह से मेरी मतलब रंभा वहाँ अकेले काम कर रही थी रिया, वहाँ जा करके अंदर बाहर नीचे हो रहा था। देखिए मेरी साथ हम जैसे जो छोटे क्रिएटर है, मतलब छोटे क्रिएटर मतलब छोटे सब्सक्राइबर, बहुत कम सब्सक्राइबर वाले जो क्रिएटर्स है, वो लोग सोचते हैं कि बड़े क्रिएटर हमें सपोर्ट नहीं करते, बड़े क्रिएटर हमें प्रमोट नहीं करते। बहुत सारे वीडियोस भी बन चुके हैं, मनोज दे के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं कि वो घमंडी है, वो ऐसा है वैसा है, ठीक है। उसी तरह से ये विजय रिया ब्लॉग जो चैनल है वो भी धीरे धीरे अपना काम करके, उसने बहुत सारा बहुत एफर्ट डाला है, बहुत सारा काम किया है, तब जाकर वो यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या झेला है, आप अगर उसके ब्लॉग में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से ब्लॉग बनाता है, किस तरह से वो अपना काम दिखाता है, किस तरह से वो पूरा दिन काम करता है और वो रियल में क्या काम करता है, कैसे कमाता है, कैसे खाता है, वो सब देखिए। और फिर वो अभी थोड़ा उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, उसकी चर्चा हो रही है, वो बहुत फेमस हो चुका है, तो क्या आप उसके घर चले जाओगे हैं? मनोज दे ने तो अपने घर के आगे सीसीटीवी लगा दिया है, कोई अंदर जा नहीं सकता, ठीक है, बाहर सब लोग वेट करते हैं, लेकिन इसका तो घर ही ऐसा है कि इसके घर में कोई भी घुस सकता है और कुछ भी हो सकता है। अगर वो घर पे नहीं है तो उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो किसी को जीने दो यार, वो लड़का जी रहा है, अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो, उसको अच्छे से जीने दो। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम परेशान तो मत कीजिए। सपोर्ट करना है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, मगर परेशान तो मत कीजिए। उसके घर 6 बजे उसके घर पहुंच जाओगे, कमाल है भाई। अपने मतलब के लिए किसी का भी, मुझे बहुत बुरा लगा है इसका, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ किसी को जीना है जीने दो, उसको उसका काम करने दो और आप अपना काम करो, ठीक है। बस इतना ही कहना था आज के वीडियो में। मैं उसको, अगर आपको उसका वीडियो देखना है, वो कैसे रो रो बिलक बिलक कर बोल रहा था कि ऐसा मत करो, मेरे परिवार को बचा लो, ठीक है सर प्लीज मुझे बचाइए, मेरी मजबूरी है। देखिए एक लड़का आके मुझे सुबह से परेशान कर रहा, सुबह आप देख सकते हैं नीचे वीडियो में, एक वीडियो यहाँ पर भी, वीडियो क्लिप में आपको दिखा रहा हूँ और उसका पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो परेशान मत कीजिए इस तरह से, आप अपना काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वो मेहनत करके आगे आया है, आप भी मेहनत करिए। आपके 20-25 सब्सक्राइबर है और आप कहते हैं कि प्रमोट कर दो, कैसे कोई प्रमोट करेगा यार। मेहनत करो, मेहनत करने के बाद ही सब कुछ मिलता है, खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। जब पूरा दिन मेहनत करोगे तो 200-300 रुपये मिलेंगे, उससे आपका घर चलेगा, कोई आपको देकर नहीं जाएगा, ठीक है। भिखारी भी भीख मांगने के लिए मेहनत करता है, दर दर भटकता है, तो आप लोग तो समझदार हो, समझ जाओ, ठीक है। ऐसा किसी को परेशान मत करो, छोटे आदमी को क्यों परेशान करते हो, जीने दो उसको और आप भी जियो, मेहनत करो फल मिलेगा, ठीक है। जितने मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत करो और कुछ मत करो, किसी को परेशान मत करो, सिर्फ मेहनत करो, डेली वीडियो डालो, SEO करो, पैसे कमाओ, ठीक है। बस इतना ही कहना था आज,
तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।